जी यहाँ से बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में देख रहे हैं कि दिसंबर वायदा 2598 का हाई लगा चुका है। हम देख रहे हैं कि काफी समय के बाद बिनौला खल ने ये लेवल दिखलाया है। आपको क्या लगता है, क्या आज क्लोजिंग होते होते बिनौला खल में 2600 का लेवल देखने को मिल पाएगा और क्या ये तेजी कल भी जारी रह सकती है? देखिए, मैं तो इसमें काफी देर से ही ये रेकमेंडेशन दे रहा हूँ कि कोकोट जो है ये यहाँ से काफी अच्छा बाइंग बनता है। कोई फर्दर इसमें अपसाइड देखने को मिलेगी, क्योंकि कॉटन प्राइसेस देखें तो वो भी अपसाइड में भी मूव कर रहे हैं, क्योंकि एक तो चाइना की तरफ से जो इम्पोर्ट डिमांड है वो इंक्रीज कर रही है, और दूसरा जो अराइवल्स है वो जितना एक्सपेक्टेड था उससे कम हो रहा है, और उसी वजह से कॉटन प्राइसेस जो है ये अपसाइड में मूव कर रहे हैं, और वहीं से कोकोट को भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और चांसेस ये लग रहे हैं कि हायर साइड में 2650 को जैसे कमोडिटी ब्रेक करेगी, फर्दर बहुत शार्प रैली देखने को मिलेगी अपसाइड में 2800 तक के लेवल्स में। अभी भी यहां से बाइंग बना के चल सकते हैं, 2460 का सपोर्ट है और काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जी। तो यानी कि बिनौला खल की कीमतों में जो तेजी है ये जारी रह सकती है, बिनौला खल में एक काफी शानदार रैली निकल के सामने आ सकती है जो ऊपर में रविंद्र जी के मुताबिक 2800 तक जा सकती है। रविंद्र जी, दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है। अभी जैसे हम देख रहे हैं बिनौला खल का दिसंबर वायदा 2500 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, तो इनका सवाल यह है कि बिनौला खल में क्या अभी और निचले लेवल्स देखने को मिल सकते हैं जिससे कि निचले लेवल्स पर परचेज किया जा सके लॉन्ग टर्म के लिए? ये जानना चाह रहे हैं 2300 का लेवल कब तक देखने को मिलेगा? देखिए, अभी कोकोट की बात करें तो इसमें 2300 के लेवल्स थोड़े से मेरे को चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि पैटर्न्स जो हैं ये भी पॉजिटिव दिख रहे हैं, और दूसरा फंडामेंटल्स जो हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं प्राइसेस को। तो चांसेस ये लग रहे हैं कि आप अगर एक्युमुलेट करना भी चाहते हैं तो करंट लेवल से कर सकते हैं, और अगर डिप आता है तो वहां पे जाके आप एवरेज आउट कर सकते हैं अपने प्राइसेस को। लेकिन यहाँ से अगर आप वेट करेंगे तो मुझे लगता है कि आप रैली मिस करने के ज्यादा पास रहेंगे जी।